अजय इधर आ जाए सर, यहाँ पे पंकज जी सर, अनुप जी बिंस तालियां है। पूर्णिमा जी आओ, आ गाओ, ये सभी बड़ी भाभी का प्लीज। टू ए प्लीज गाओ। सरकार को बहुत तरक्की दे और जो जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो इन दो ब्लॉक से, दो ऑफिस से न जाने कहां कहां पहुंचे, पूरी बिल्डिंग इनकी हो जा रही है। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। दो शब्द पंकज भाई और अनु भाई ने जो कहना था वो कह दिया। जीतू हमारे संगीत के परिवार का एक बहुत ही प्यारा सदस्य है और पिछले कई सालों से हम देखते आए हैं कि जीतू की खास बात यह है कि ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी वेरी डेडिकेटेड और ये उसी का नतीजा है कि वो हर दिन कुछ न कुछ नई बात सोचता है और उसे मुकम्मल करके छोड़ता है। तो मैं जीतू को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और ये शुभकामनाएं हैं मेरी कि ये आपका फनकार जो ये स्टूडियो, ये रिहर्सल हॉल है वो खूब चले और जैसे अनुप भाई ने कहा कि भगवान करे कि पूरी बिल्डिंग में आप छा जाओ, बस ये हमारी शुभकामनाएं।
वैसे भी यहाँ जब इतना डांस और गाना वाना होगा तो उसके लोग तो भाग ही जाएंगे, पूरी इनकी बिल्डिंग हो ही जाएगी। जीतू भैया आपको और साथ में पूर्णिमा जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। और जीतू भाई ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है क्योंकि इस एरिया में अच्छे साउंड प्रूफ रिहर्सल हॉल नहीं थे। मैं हमेशा सोचती थी कि बहुत दूर दूर जाना पड़ता था और अब तो फ्री का मिल गया मेरा। क्योंकि उन्होंने मुझे खोल कर दिया कि तुम्हारा ही है ना, तुम्हें जाना। मुझे कहना, मैंने कहा ठीक है, कल का ही डेट मेरा ही। बहुत बहुत बधाई हो आपको और बहुत सारी शुभकामनाएं इसमें ओपन करने के लिए। अब जीतू शंकर के बारे में क्या बताऊं मैं, मैं तो जानता ही नहीं। 28 साल से कोशिश कर रहा हूँ जानने के लिए, अभी तक नहीं जान पाया। लेकिन जोक्स अपार्ट, अनुप, पंकज और ऋषा ने जो बताया बिल्कुल सही है। मैं, मेरी दिल से दुआएं हैं कि आप कामयाब रहें। और मैं तो एक और आगे बात कहूँगा कि बिल्डिंग क्या, सारी बिल्डिंग्स आपके हो जाए हैं जी गौर भाई, आप इनके साथ साथ सारी सारा ये लक्ष्मी इंडस्ट्री का स्टेट ही आप हो गए, आप ही का है तो और ऐसे चार हो गए। सॉरी मुझे पता नहीं। एनीवे तो बात ये है कि जैसे कि ये रिहर्सल हॉल जो है बहुत खूबसूरत है और मैं एक शुरुआत है तुम्हारी, बस नेक कदम रखें और आगे बढ़ते जाए, ये मेरी दुआ है। I just say to his family, to us, congratulations and our best wishes always with you. You're amazing, Tanu. Thank you. Jitu ji, congratulations and aapne blessing de diya artist ke liye. Aisa beautiful rehearsal hall. I think Lakshmi Nasal Estate is going to be the hub of all the artists from Maharashtra. And we needed this. Thank you so much. We'll be jamming here. Yes, we'll be jamming. I think sabko milke jamming bhi karna chahiye. Ranji. जी तो मेरे छोटे भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको, आपके पार्टनर्स को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको दिन दूनी रात चौनी तरक्की दे, यही दुआ है। थैंक यू। मैं, दो भाई हमारे दीपक पंडित हैं, शैलेंद्र भारती भी हैं, तो इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिग्गज मौजूद है उनके बीच में बोलना तो बोलना चाहिए बदतमीजी, बट यही कहूँगा कि ये अचीवमेंट है मेरे भाई का। और मैं दुआ करता हूँ दिल से कि ऐसे बहुत सारे और रिहर्सल हॉल, स्टूडियोज, फिल्म प्रोडक्शन में भी आ गए हैं तो उसमें भी मालिक उनको बहुत सक्सेस दे, दिल से दुआ। थैंक यू। मैं, अशोक भाई और पूर्णिमा जी है कि जॉइंटली एफर्ट्स हैं हमारे सबके और आप बड़ों का सबका, इतने साल का जो मेरे साथ आप लोगों के साथ मिला है, आई रियली, मेरे पास शब्द नहीं है आप लोग के लिए कि मैं क्या बोलूं। बट एक चीज़ बोलना चाहूँ, जोरदार तालियां, ये चार लीजेंड्स हैं, बाकी के मेरे सब दोस्त हैं, भाई हैं, प्लीज़ जोरदार तालियाँ बनती हैं उनके। थैंक यू वेरी मच भाभी, थैंक यू शिवानी, राम भैया, शैलू। मैं दिलीप सेन चाचा से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दो शब्द बोलें। जी हाँ, मैं इतना ही कहूंगा कि जीतू शंकर जी हमारे परिवार के सबसे लाडले और चहेते स्टार हैं और मैं समझता हूँ संगीत की दुनिया का ये वो सितारा है कि इन्होंने जिस भी चीज़ में हाथ डाला, ईश्वर ने, भगवान ने, माता की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से ये हमेशा सक्सेस रहे। और जब मुझे पता चला कि इन्होंने ये एक हॉल ही नहीं बल्कि इसके अलावा इनका खुद का स्टूडियो भी है, बहुत ही खुशी हुई। और हम सभी लोग तहे दिल से ये चाहते हैं कि दिन दोगुनी रात चौगुनी और आगे बढ़ें। और ऐसे वाकई में एक बिल्डिंग नहीं, मैं समझता हूँ कि ये पूरा इनका मतलब शंकर जी के नाम से जाने जाए। थैंक यू। और मैं गुजारिश करूँगा गोवर्धन भाई से, please, which the entire Lakshmi Industries is always a supportive family, is a family. So, Gurdan bhai, aap do shabd bolo. Ajay Builder, mere taraf se aapko congratulations hai aur aap badho aur hamara maan bik jaye. Ye kaun si baat hai ki hamara maan bik jaye? Nahi, ye bole aap aage badho aur hamara maan bik jaye.
श्योर गोर्धन भाई, थैंक यू। मैं शैलेंद्र से भी मेरे भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो दो शब्द बोले। मुझे लगता है सभी बुजुर्गों के सामने और बड़े भाइयों के सामने बोलना तुमसे मुझे ऐसा लगता है कि जो नाम है फनकार, सभी लोगों के फन को आकार देने के लिए इस फनकार को बनाया गया है और मैं जोरदार तालियों से इस चीज के लिए आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, सभी इनको बधाइयां दें, जोरदार तालियां हो जाए फनकार के लिए और जीतू भाई के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई हो और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये जो आप लोगों ने एक नई चीज शुरू की है इसमें फनकार इस प्लेटफॉर्म से एक फनकार निकले और वो अपना इस दुनिया में इस खूब नाम कमाए, यश कमाए और उसकी पूरी क्रेडिट इस प्लेटफॉर्म जितेंद्र शंकर और पूरी टीम को जाए। थैंक यू। मैं कुछ आई रिक्वेस्ट पूर्णिमा जी, माय वाइफ संतोष एंड अशोक जी प्लीज कम। अच्छा मैं बीना भाभी, आई वांट स्टार्ट विद माय बीना भाभी। मेरी प्यारी बहना संतोष रीचा शिवानी प्लीज जस्ट इधर देख के मेरे तीन बड़े भाई हैं, तो मैंने इनसे बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। तीन ये ऐसे फनकार हैं जो ऑडियंस को पहले गाने में ही कैप्चर कर लेते हैं। बहुत मुश्किल होता है कि आप पहले गाने में ही ऑडियंस को कैप्चर करना, वही फनकार होता है, वही फन का माहिर होता है। तो ये नाम मुझे जो आया मुझे पूर्णिमा जी को कि हम ये फनकार हैं कि ऐसे ऐसे फनकार हमारे देश में हैं लास्ट 40 साल से, ये 35-40 साल से ये तीन लीजेंडरी रीचा इन लोग गा रहे हैं और जब भी इनके साथ मैं बजाता हूँ परफॉर्म करता हूँ पहले आइटम से ही लोग एकदम नहीं मेरी उम्र हाँ 40 हाँ मैं कहने का मतलब हाँ मैं बट यही बोलना चाह रहा हूँ कि इतने साल से ये गा रहे हैं मेरी भावनाओं को समझिए, ईयर को भूल जाइए ठीक है। बट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट आई वॉन्ट टू थैंक ईच ऑफ देम यू माई एल्डर ब्रदर तरत भाई मेरे दूसरे भाई अनु भाई मेरे सबसे एक और प्यारे भाई पल में आ गया ओके भाई थैंक यू दिलीप भाई गोवर्धन भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका माल जरूर बिकेगा इतने बड़े फनकार आए हुए हैं लक्ष्मी सर राम जी राम भाई दीपक प्लीज आप घर के हैं मेरे मामा जी और ये अवार्ड में ओके के द्वारा जीतू भाई को सम्मान ही इज अचीवर यस I have one more fabulous artist with me, Madhav Prasad. He's a fantabulous singer and अभी जो दिल्ली में आपने देखा था जो श्री श्री रवि शंकर जी का जो देखा था वो इन्होंने ही पूरा कंडक्ट किया था एंड इट्स अ प्रिविलेज इज या थैंक यू माधव जी और बहुत से लोग हो गए एंड आई वॉन्ट टू थैंक ईच ऑफ देम योर
पर मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा ऐसी जगह है कि आप लोग अगर एक एक कुछ गा दे शुरू में तो ये 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 धरती पवन हो जाएगी। फनकार एक मेरे ख्याल से एक ब्लेसिंग है आर्टिस्ट के लिए। यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिहर्स कर सकते हैं, जैम कर सकते हैं और यहाँ पे इट्स एन अकेडमी, वी कैन लर्न ऑल्सो। सो ये आई थिंक इन दिस पार्ट ऑफ मुंबई ऐसी जगह की बहुत बहुत सख्त ज़रूरत थी। एंड आई विश जीतू शंकर ऑल द बेस्ट, क्योंकि वो इतने बिसाइड म्यूजिक वो अपने ही थिंग्स बियॉन्ड हिमसेल्फ। सो आई थिंक दिस अ वंडरफुल थिंग दैट यू डूइंग अनटू अदर्स, जब आप अपने स्किन में से निकल के औरों के लिए कुछ कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक एंडेवर फ्रॉम हिज साइड एंड कंग्रेचुलेट जीतू जी, हिज पार्टनर्स पूर्णिमा जी। एंड आज इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग, इतने बड़े बड़े दिग्गज आर्टिस्ट, लेजेंडरी आर्टिस्ट यहाँ पे आए हैं एंड आई फील रियली प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस दिस लॉन्च एंड या ऑल द बेस्ट। हाँ जी, हेलो सर, मैं राजकुमार जी गदल सिंह गुरु, जीतू जी का बहुत ही बड़े भाई की तरह हूँ मैं और हम साथ में मिल के काम करते हैं। मैं उनको ये इस आप लोगों को भी और ये फनकार के लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह करें कि वो इतनी कामयाबी भी पहुँचे। वो ऑलरेडी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनका पूरा परिवार है और ये मेरी बेटी है नेहा, ये भी उनके साथ गाती है और काम करती है। मेरी सारी शुभकामनाएं उनके लिए, थैंक यू। जीतू भाई के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड, काफ़ी सालों से हम लोगों ने साथ में काम किया और काफ़ी रिकॉर्डिंग्स और वगैरह सब जगह में काफ़ी रहे और उनको दिल से बहुत बहुत शुभेच्छा और बहुत अच्छा दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं जीतू जी को। थैंक यू जीतू जी, थैंक यू मनोज जी, चिंटू जी और हफीज़ भाई भी आए हैं। कोई बहुत खुशी की बात है कि हमारा भाई पिछले हम लोग मेरे ख्याल से 30 साल से ज़्यादा हम लोग साथ में काम किया हम लोगों ने। ऊपर वाले ने बड़ा अच्छा मौका दिया कि इसने बहुत अच्छा शुरू किया है ये, अल्लाह इसको कामयाबी दे, बहुत खुशी की बात है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच हफीज़, मनोज, चिंटू, ये हम लोग 30-35 साल से आज पुराने हैं। इट्स प्रिविलेज के लोग सब लोग आए हैं, विश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फनकार का मतलब आप खुद ही जानते हो कि फनकार एक ऐसा फन है जो कलाकारों में रहता है और ये इनिशिएटिव हम दो परिवार मिलके किए हैं, मेरी पूर्णिमा जी, अशोक जी, मैं, मेरी वाइफ संतोष, वो कहाँ दिख नहीं रही है पर हम, अशोक जी भी आ रहे हैं। हम लोगों ने इस इनिशिएटिव को ये समझ के किया था कि रिहर्सल हॉल, जैमिंग हॉल, डांस के लिए फिर ये एकेडमी भी है हमारी, जिससे हम लोगों को फोक म्यूज़िक, फोक डांस, क्योंकि आज तक फोक डांस और फोक म्यूज़िक को लोग सिखाते नहीं हैं, ये लुप्त होती जा रही है। तो ये इस मंच पर हम लोग फोक म्यूज़िक, पूरे हिंदुस्तान का फोक म्यूज़िक, फोक डांस जो यहाँ हम सिखाएंगे, तो ये एक इनिशिएटिव हम लोगों ने शुरू किया है। क्योंकि मैं खुद एक जयपुर घराने से हूँ, डांस के घराने से हूँ, तो म्यूज़िक तो है ही और डांस तो है ही, तो ये इनिशिएटिव किया। और मेरे पार्टनर्स अशोक शेखानी जी और पूर्णिमा जी, इनका दोनों का सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं था ये करना, ये मुमकिन नहीं था कि हम लोग ये इनिशिएटिव लेते हैं। आई वॉन्ट टू थैंक बॉटम ऑफ माई हार्ट माई डियर अशोक भाई एंड पूर्णिमा जी फॉर रियली कि हम लोग ने जो मेहनत की
वो आज जितने बड़े लोग आके मेरे दोस्त कलीग्स आए हैं बधाई दी है, सो मेरा दिल और भर गया है। बट एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस जगह को आप अपनी जगह समझिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अपनी जगह क्यों बोल रहा हूँ कि जो कलाकार फ़न का माहिर है, फ़नकार, नाम क्यों रखा है फ़नकार, उसके लिए ये खुला है दरवाज़ा जिसमें लोग सीख सकते हैं, आके अपना काम कर सकते हैं, आके अपना डेमोंस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ हॉल है, आज तक वो लाइन पे किसी ने सोचा नहीं था कि मल्टीपर्पज़ हॉल कैसे हो सकता है, पर इसको हमने साउंड प्रूफ करने के साथ साथ हमने उसको डांस और म्यूज़िक एकेडमी में भी किया, और साथ ही हम जो बॉलीवुड है जिसके लिए मेरी एक और एकेडमी आ रही है, हम लोग ही हैं साथ में उसमें, जीतू शंकर बॉलीवुड आइडल, वो हमारी ईस्ट में आ रही है, जल्दी आ रही है, एंड इट विल बी अ समथिंग डिफरेंट व्हाट वी आर गोइंग टू डू देयर, जहाँ हमारा स्टूडियो भी होगा, ये म्यूज़िक और रिहर्सल हॉल होगा और वहाँ हम रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। सो ये दो ईस्ट वेस्ट का हमारा जो भाग हमने बांटा है, तो लोगों को ईजी रहे कि वेस्ट में हम लोग ये कर सकते हैं, फोक म्यूज़िक, फोक डांस कर सकते हैं, और ईस्ट में हम लोग जीतू शंकर बॉलीवुड आइडल जो हमारा एकेडमी आ रही है उसमें हम बॉलीवुड, सूफियाना, इंस्ट्रूमेंटल, फिर रिकॉर्डिंग स्टूडियो हम लोग कर सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव हमने लिया है, और मैं आप पूरी मीडिया का, प्रेस का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ऑलवेज सपोर्टिव रोल अदा किया, नंदिनी का, अनुषा का, सबका। आई वॉन्ट टू थैंक देम एंड ऑल द टीम, यू हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव, एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट पूर्णिमा जी से सब फ्यू वर्ड्स। संतोष, सबने इतना कुछ कह दिया, बस बहुत छोटी सी एक इच्छा थी कि कभी अपना स्टूडियो और जीतू शंकर जी के सहयोग से बहुत जल्दी पूरी हो गई, मैंने सोचा नहीं था, भगवान करे आगे ऐसे बस अच्छे से चलता रहे। थैंक यू सो मच। सब लोगों ने इतना कहा है, बहुत सालों से इच्छा थी कि ऐसा कुछ यहाँ पर हो, अंधेरी वेस्ट में हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, तो हमने अपना बेस्ट एफर्ट किया है कि भी लोगों को अच्छी सुविधा मिले, सब कुछ मिले, बाकी देखो क्या। थैंक यू। ये मेरी अर्धांगिनी है संतोष, आज तक कभी बोलती नहीं है, बट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ बोले। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है इनको, इनके काम के लिए, और जो भी इनकी इच्छा है सब पूरी हो, ये मेरी गुड विश है। ये सब हार्ड वर्किंग है इन दो महान अनुभव का, हम तो दोनों करते जाते हैं। थैंक यू, एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू थैंक वीरू राजू, ये मेरे दो भाई हैं, मेरे दो बेटे हैं, सो आई वॉन्ट ऋषभ पीयूष एंड मिकी, ये मेरा ये वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिक अरेंजर एंड प्रोग्रामर राजू शंकर एंड वीरेंद्र शंकर इज इनटू अ बिग टाइम इवेंट्स एंड एवरीथिंग, मिकी पीयूष ऋषभ, यू आर मिसिंग माय डॉटर रश्मि, शी इज ऑन द वे, बट आई विल रिक्वेस्ट वीरू टू से अ फ्यू वर्ड्स एंड देन राजू। It's a privilege to be part of this family over here, and sabhi jante hain ki Jitu Shankar is one of the finest artists of the country and a very good mentor in a part of music, and he has trained many of the artists, and I wish him all the success for his new project. Thank you. I just wish him all the best. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट डैड कि उन्होंने इतना ये और सिकानी अंकल आंटी उन लोगों ने साथ में एज ए जॉइंट वेंचर करके दे हैव कम अप विद दिस थिंग कॉल्ड फनकार, जो कि विच इज़ अ डांस रिहर्सल हॉल, विच इज़ अ रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ और काफ़ी चीज़ें हैं। तो मैंने देखा है डैड को, उन्होंने लास्ट काफ़ी महीनों से वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ही वाज जस्ट वर्किंग हियर एंड देयर, बाकी काफ़ी सारे पोस्ट प्रोडक्शंस, बैकिंग चीज़ें वो सब चल रही थी, एंड फाइनली टुडे लॉन्च्ड, एंड तीनों लेजेंड पंकज जी, अनूप जी, तलत अंकल, तीनों ने किया है, दैट्स लाइक अ वेरी बिग थिंग, एंड बहुत ही स्पेशल डे है आज, बहुत ही स्पेशल फीलिंग्स है, सो आई एम रियली गिविंग ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम मेंबर्स हु आर देयर। हाय, माय नेम इज़ ऋषभ शंकर, मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ एक्चुअली, बट आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट माय डैड एंड अंकल, एंड मे दिस रिहर्सल हॉल, दिस जैमिंग रूम ऑलवेज बी बिजी, हमेशा 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 बिजी रहे, और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमारे तीन लेजेंड्स को जो यहाँ आए हैं, अनूप अंकल, तलत अंकल और पंकज अंकल, ऋचा दीदी, शिवानी जी एंड मैनी मोर, इन सब लेजेंड्स का आशीर्वाद है, इन सब बड़ों का आशीर्वाद है, थिंग्स आर गोइंग गुड 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 वे, सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप यू गाइज रियली लाइक दिस, रियली 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 लाइक दिस रिहर्सल हॉल, थैंक यू। सो बेसिकली माय नेम इज़ मायंक अथक, मैं उनसे इनका छोटा बेटा हूँ एक्चुअली,
सो बेसिकली आई एम रियली ग्लैड के माई डैड हैव कम विद दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि जनरली रिहर्सल और सबके काम आता है, विद इट्स डांस, विद इट्स म्यूजिक या रिहर्सल, कोई नॉर्मल शो की रिहर्सल करानी हो, और इतना बड़ा और इतने अच्छे वाइब्स कहीं भी नहीं मिलते. आई सीन दिस, आई माई सेल्फ प्ले ड्राम्स एज अ म्यूजिशियन, आई थिंक दिस प्लेस परफेक्ट. बेसिकली इसके वाइब्स, इसका साउंड प्रूफिंग, सो पीपल विल एंजॉय एंड होपफुली बाय द गॉड ग्रेस ये बहुत सक्सेसफुल होगा एंड इट विल बी बिजी ऑल नाइट ऑल डे. थैंक यू सो मच. Well, whatever I am today is because of my father, and he's been an inspiration for me, my brothers, as well as everybody who is working in the industry, who comes to him, who wants to learn a lot from him. He's been there for those people, and that's what we have learned. And since this is something which he's opened, I wish nothing but the best for him, and I just hope and pray to God that whatever he does in the field of entertainment, he just gets more and more success, fame, and good wishes from his people around. Thank you so much. Thank you so much.